सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं गया हूँ अभी अपने दोस्त की बहन की शादी में, तो ये कुछ इस तरह से रास्ता है, पूरा जंगल एरिया और सड़क जो है काफ़ी ऊपर है। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। पीछे से बारात भी देख सकते हैं आप, पीछे से बाराती आ गए। हम भी जाते हैं नीचे को, एक्चुअली में ना हमें बारात से पहले पहुँचना पड़ेगा और बारात भी जो पीछे है, और मैं मतलब बारात के साथ ही जा रहा हूँ। पीछे अंकल आ रहे हैं ना, इनकी एज है 67 और 67 साल की एज में देखो ऐसे पहाड़ों में मतलब सफ़र कर रहे हैं। गाइस अभी तो मतलब मस्त से हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरुख है। ये जो चीड़ के पेड़ है ना, इसके जो पत्ते होते तिकोने तिकोने वाले, ये वाले एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है और इसमें अगर थोड़ी सी भी आग लग गई ना, भाई पूरे जंगल को भस्म कर देगी। सो गाइस मेरे दोस्त है ना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि पता है मुझे कल आना था और वो उससे भी पहले आने के लिए बोल रहा था, बट यार ऐसा हो नहीं सकता। पता है मेरा भी काम था, बट मैं कहीं और था, वहाँ से मैं डायरेक्ट आया हूँ यार। पता है डाउन में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हवा भी लगी, और जब चढ़ाई में चढ़ेंगे ना भाई काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई लगने वाली है ज़्यादा समय। काफ़ी दूर जंगल से पता है एक घर दिखा यहाँ पे, अभी वो भी सबसे ऊपर है, नौला है, इसमें मस्त सा पानी आता है ठंडा सा। तो हमारे यहाँ मतलब पहाड़ों में ना ऐसे देखो जंगल पे ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना ऊपर, ये बांस के पेड़ होते हैं, इसके जड़ों से नीचे से पानी आता है बहुत ज़्यादा, मतलब पानी वानी सोखता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है यहाँ पे। और कैसे डाल सो गाइस, जंगल में आते आते मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो मिल गई, क्या पानी, और काफ़ी मस्त पानी मिला। सो गाइस एक तो ये मेरा दोस्त है, क्या हाल है? बढ़िया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया राजू, नमस्कार। बस कुछ इस तरीके से दोस्त लोगों ने जो है बारातियों के लिए दावत पानी की व्यवस्था कर रखी है, पानी ठंडा सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। अभी वो काफ़ी ऊपर से आएंगे। सो गाइस यहाँ पे मुझे मनोज मिल गया है, अभी नवीन से मिलना बाकी है जिसकी बहन की शादी है, तो ये और मैं साथ में स्कूल पढ़ते थे। वो मनोज हेलो हाय तो बोल दो ऊपर। हेलो बाबा, जल्दी आ गया, सही हो गया। अभी आपको मुझे पता है क्या। हेलो, सो गाइस यही है मेरा दोस्त जिसकी बहन की शादी, सॉरी यार लेट हो गया। गुस्सा तो नहीं है भाई यार, पक्का ऐसे नाराज आ गया ना बस। और यहाँ पे अभी कटिंग चल रही है, सैलेड वगैरह कट रहा है, और यहाँ पे जो है ना जो बाराती हैं वो लोग यहाँ पे खाना वाना खाएंगे आराम से। और ये काफ़ी देख सकते हैं मतलब धूप से बचने के लिए ये टेंट, ये अक्सर शादी में लगता ही है, बट पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पे लगाना बहुत ज़्यादा कठिन रहता है, फिर भी मतलब ये व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है। आपको दुल्हन से मिलाते हैं और मैं अभी जा रहा हूँ दुल्हन से मिलने, क्योंकि जो दुल्हन का भाई है वो भाई तो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उसके बाद हम भी काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जीते रहो, कैसी है? बढ़िया। हेलो, बस फाइनली अभी दुल्हन से भी मिल लिए, थोड़ा सा वहाँ बरातियों को जो है घर चाय नाश्ता जो भी है वो करा के आते हैं। सही बात, से भी रेवन भी कट चुका है और जो दूल्हे साहब है उनका भी अच्छे से स्वागत हो चुका है, और मैं थोड़ा पीछे आया हूँ क्योंकि
गाइस अभी हम भी घर को जा रहे हैं, तो हमारा भी जो भोजन पानी था वो भी हो गया और जयमाला भी खत्म हो गई है। एक्चुअली मैंने मेरे पे चार्जर नहीं है, वो समय भी हो गया, काफ़ी दूर जाना है तो निकलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम रोड पे पहुंच चुके हैं और भाई बहुत ज़्यादा पसीना हुआ था। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। बाय। ये देखो भाई चूहों को भी मुझसे प्यार हो गया। लिटरली ना चूहों को भी मुझसे प्यार हो गया। चूहे जी ओ मूसक जी, ये छोटा छोटा सा बच्चा ओ